उत्पीड़न के मामले को रोकने के लिए सरकार द्वारा काफी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके इस तरह की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ इस तरह का एक मामला उस वक्त रामपुर में सामने आया जब विवाहिता को संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के बाद मायके वालों ने उसके पति सहित 5 पर बेटी का गला घोटकर हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रामपुर के थाना खजूरिया क्षेत्र में 5 दिन पहले विवाहिता लखजीत कौर की अपनी ससुराल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। अपनी लाडली की मौत के बाद मायके वाले सदमे में आ गए और उसकी मौत को सोची समझी साजिश के तहत इसे हत्या से जुड़ा मामला बताया है। परिजनों की ओर से मृतका की पति सहित 5 ससुरालियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सीता सिंह, पीड़िता मंजीत कौर। मंजीत कौर की बेटी आज से 10 साल पहले ग्राम में रहा हुआ थाना खजूरिया में जिला रामपुर के घर शादी अमरजीत सिंह के साथ की करी और 5 साल के बाद उन्होंने लड़की को मारना पीटना शुरू कर दिया और लड़के ने दूसरी शादी कर ली। वो शहर में रह रही है, गाँव अपना रुद्रपुर में। और आज दिनांक 31/5/2019 को फोन आया कि आपकी घर लड़की को मार पीट रहे हैं। लड़की की माता और लड़की का भाई दोनों वहाँ गाँव पहुँचे तो वो लोग उनको मार पीट रहे थे और इन्होंने छुड़ाने की कोशिश करी तो इनको धक्का दिया, ये बेहोश हो गई माँ और माँ को संभालने लगा उनका लड़का। उसके तुरंत बाद उन्होंने उसके गले में दुपट्टा डाल के उसकी हत्या कर दी। और जो है कि इन्होंने बाद में 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर पुलिस वाले भी आए, उन्होंने मृतक को देखा सामने भी। और जब हम आज उनके पास जा रहे हैं, हमारा मुकदमा तो लिखा है कि सुनवाई नहीं हो रही हमारी सुनवाई भी। कोतवाल खजूरिया कह रहे हैं उल्टा कि आप धमका रहे हैं लड़की को, लड़की की माँ को और भाई को, कह रहे हैं कि आप कहीं भी जाएं, हमें आगे से कह रहे हैं कि आप लड़की का पैसा लेना चाहते हैं। और आज हम यहाँ पे कप्तान साहब से मिलने रामपुर आए तो इन्होंने भी हमसे ये कहा कि आपकी कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है, हमें आज 7-8 दिन हो गए हैं। एक विवाहिता जिसकी शादी के 10 वर्ष हो चुके हैं, उसके 2 बच्चे भी हैं, उसकी फांसी लगने से हत्या हुई है। परिवारजनों का कहना है कि इसकी हत्या उनके सामने गला दबा के की गई है। उनकी तहरीर पर मुकदमा लिख लिया गया है। पति, सास, ससुर और 2 नंदों के खिलाफ पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्यवाही हो चुकी है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण हैंगिंग आया है, गला दबाने से नहीं हुई। विवेचना में जो तथ्य होंगे उसके आधार पर आगे कार्यवाही कर दी जाएगी।